दोस्तों आइए दूर से सुनाई देने वाली बांसुरी की आवाज, दिल का वो मीठा दर्द जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, खाली सीढ़ियों को देखकर मोतियों के तसव्वुर में देर तक सोचने का नाम, और किसी अंधेरे कमरे में रोशनी की लकीर बनाती हुई सूरज की किरण, ये तमाम मंजर अगर हम देखना चाहें तो हमें सबा बदनापुरी की शायरी सुननी है। मैं सबा बदनापुरी साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत शेरों से खूबसूरत तरीनों के साथ बताती
किया करो, इज्जत किया करो। और मक्ते का शेर बतौर खास देखे, तुम एक दोगे और वो सत्तर चुकाएगा। क्या कहना है, वो सत्तर चुकाएगा। चंद्रशेखर और सुन लीजिए, लेकिन सर आपने मुझे हुक्म दिया है, बहुत तवील सर, लेकिन फिर भी आपका हुक्म मैं चंद्रशेखर में हासिल करती हूँ। बरसती नहीं